एक तरफ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानसून ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चक्रवात मानसून पर भारी पड़ रहा है, यानी कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से मानसून कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चक्रवात और मानसून के कमजोर पड़ने के बीच क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व उप महानिदेशक बीपी यादव का कहना है कि चक्रवाती प्रणाली सारी नमी सोख रही है और इसलिए नमी अरब सागर से केरल, कर्नाटक और अन्य तटीय इलाकों में नहीं जा रही है। यादव का कहना है कि आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत मजबूत होती है, लेकिन अब मानसून उन इलाकों में भी नहीं दिख रहा जहां उसने पहले ही दस्तक दे दी थी। अब मानसून आता है तो बादलों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ हवा की दिशा भी बदल जाती है, जो एक बड़े इलाके में नहीं दिख रही है। जानकारों का कहना है कि पहले तो केरल में मानसून 8 दिन देरी से पहुंचा और शुरुआत के बाद भी ये काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब मानसून आया था तो पूर्वी तट के पास विकसित एक अन्य प्रणाली से मानसून के आगे बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पश्चिमी तरफ से आए विक्षोभ की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि चक्रवाती सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ा, तभी इन राज्यों में मानसून का आगमन हुआ। अब चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर के उत्तर पूर्वी इलाके में सक्रिय है। ये 15 जून को गुजरात तट पर लैंडफॉल कर सकता है। माना जा रहा है कि लैंडफॉल के बाद तूफान कमजोर पड़ जाएगा, जिससे इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। वहीं मानसून को लेकर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चक्रवात की वजह से पूरे देश में अत्यधिक पश्चिमी हवा चल रही है। अगर बंगाल की खाड़ी में एक मानसूनी प्रणाली विकसित होती है तो इसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक पहुंचना चाहिए। अगर मानसून प्रणाली सक्रिय हो जाती है तो देश के पूर्वी भाग में हवा का पैटर्न बदलकर पूरब हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है और यही वजह है कि चक्रवात बिपरजॉय मानसून की राह में रोड़ा बना हुआ है और जो किसान अपनी फसलों के लिए मानसून की राह देख रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है।